दोस्तों आ चुका है फेसबुक की तरफ से 2024 का सबसे बड़ा अपडेट। अब दोस्तों फेसबुक सबसे बड़ा अपडेट करने जा रहा है 5 जनवरी से 2024 से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। जो क्राइटेरिया है क्या फेसबुक उसको खत्म करने जा रहा है, हमारी अर्निंग जो बढ़ेगी या कमेगी, या जो कॉपी पेस्ट करते हैं तो उनकी जो अर्निंग बंद होगी या उनकी भी अर्निंग इंक्रीज होगी, ये काफी कुछ इस अपडेट में छुपे हुए हैं सवाल। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम इस अपडेट को पूरा बताने वाले हैं कि आखिर फेसबुक इतना अपडेट क्यों करने वाला है और क्या कारण है और क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे पेज या प्रोफाइल पर, क्या हमको लाभ होने वाला है इससे और क्या नुकसान होने वाला है। जो अपडेट आया है खासकर इनस्ट्रीम ऐड के लिए आया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इनस्ट्रीम ऐड में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एन अपडेट टू इन स्ट्रीम एड, उसके नीचे यहां पे देखिए इफेक्टिव एज ऑफ 5 जनवरी अर्निंग विल बी वेटेड ऑन व्यूज ऑफ योर एलिजिबल वीडियो, यानी कि आपकी जो एलिजिबल वीडियो होंगी उनको उनके ऊपर व्यूज के हिसाब से पैसा मिलेगा। यहां पर देखिए थोड़ा समझाना चाहूंगा, पहले जो आपकी अर्निंग होती थी वो आरपीएम वगैरह के हिसाब से होती थी। यहां पर स्क्रीनशॉट होगा तो मैं लगा दूंगा, पहले आरपीएम के हिसाब से होती थी, यानी कि आरपीएम जैसा रहेगा वैसी आपकी अर्निंग है वो कम होगी ज्यादा होगी जैसा आपका आरपीएम रहेगा। उसके बाद फेसबुक ने एक अपडेट फिर और किया कि जो आपकी अर्निंग होगी, जो अभी चल रही थी अर्निंग, के परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी अर्निंग होगी, यानी कि जैसे आपके पेज की परफॉर्मेंस चलेगी, जिस हिसाब से आपकी रीच वगैरह होगी उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी, यानी कि लाइक्स कमेंट व्यूज, यानी कि सब कुछ मिला के आपकी जो अर्निंग अपनी उसके ऊपर बेस्ड थी पूरी। अब फेसबुक इसको अपडेट किया है फेसबुक ने कि आप 5 जनवरी से अपडेट लाएंगे कि जो आपकी एलिजिबल वीडियो होंगी उन पर व्यूज के हिसाब से पैसा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं मेरी वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आते थे, यानी कि मिलियंस में व्यूज आते थे, लेकिन अर्निंग थी बहुत ज़्यादा लो थी क्योंकि जो परफॉर्मेंस बेस के हिसाब से पैसा मिलता है, लेकिन अब व्यूज के हिसाब से पैसा मिलेगा कि जिस तरीके से आपके व्यूज आएंगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबल वीडियो का मतलब ये होता है कि आपकी जो एलिजिबल वीडियो यानी कि एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली वीडियो होनी चाहिए। आप जैसे कि कुछ भी डाल रहे हैं, जैसे कि आप 18+ कंटेंट डाल रहे हैं या कोई लड़ाई झगड़े वाली या कोई खून खराबी वाली इस तरीके की आप वीडियो डालते हैं तो एलिजिबल वीडियो नहीं कहलाती, यानी कि फेसबुक की यानी कि जो गाइडलाइंस के खिलाफ है ये वीडियो, तो इन पर वो ऐड नहीं चलेंगे, यानी कि इनसे आप रेवेन्यू नहीं कमा सकते। एलिजिबल वीडियो होने चाहिए कि जिससे आप पैसा कमा सकें। एलिजिबल का मतलब यही है कि यानी कि एडवर्टाइज फ्रेंडली होने चाहिए वीडियो, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए why continue to use in stream ads your accept the यहाँ पर change, यहाँ पर आपको यहाँ पर accept करना है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अपने यहाँ पे लागू हो जाएगा 5 जनवरी से। अब बात करते हैं क्राइटेरिया का क्या हुआ। जैसे कि 5000 फॉलोवर और 60000 मिनट व्यू चाहिए रहते थे, तो देखो इसमें अभी कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फेसबुक इसको जल्दी ही कम करेगा 2024 में, हो सकता है क्योंकि फेसबुक अपडेट पर अपडेट ला रहा है। तो देखो संभावना है कि ये फेसबुक कर सकता है कि यहाँ पर देखिए जो आपको फॉलोवर मिलते थे उनको शायद है कि फेसबुक कम करेगा। यहाँ पर देखिए वॉच टाइम आपको चाहिए रहता है, मिनट भी चाहिए रहते हैं 60000 मिनट, वो भी 60 दिनों के अंदर, वो जो अपने फॉलोवर है वो कितने ही दिन में कंप्लीट हो जाए, तो फेसबुक शायद इसको कम करेगा। अब बात करते हैं अर्निंग के बारे में। देखो अर्निंग है जो अपनी इंक्रीज होने वाली है क्योंकि अब आपको व्यूज के हिसाब से पैसा मिलने वाला है। जैसे आपके व्यूज आएंगे उस हिसाब से आपको ये पैसा मिलेगा, जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे उतने ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि इस फेसबुक पर क्या था कि आपको ज़्यादा व्यूज आएंगे ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्यूज में $1 बनता था, वो ही नहीं बनता था, लेकिन अब क्या है कि जैसे आपके व्यूज आएंगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं कॉपी पेस्ट वालों का। देखो कॉपी पेस्ट में भी देखो यही है कि आप एलिजिबल वीडियो डालते हैं, यानी कि आप कंटेंट वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली वीडियो डालते हैं, आप कुछ भी डाल रहे हैं तो उसमें देखो आपकी अर्निंग होगी वो इंक्रीज होगी। जैसे ही देखो ओरिजिनल कंटेंट वालों की होगी वैसे ही आपकी होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई ऐसी वीडियो नहीं डालना है कि जो उसकी पॉलिसी के खिलाफ हो, यानी कि आपको ऐसी वीडियो नहीं डालनी है कि जो एलिजिबल ना हो। एलिजिबल का मतलब यही है कि जो कंटेंट मोनेटाइजेशन उसकी पॉलिसी है ना, कि आपको कई सारे के वो 18+ कंटेंट हो गया, मैंने बताया ना लड़ाई झगड़े वाले, फेक न्यूज वाले, दंगे फसाद वाले, इस तरीके की आपको वीडियो नहीं बनानी। अगर इस तरीके की आप इनकी कॉपी पेस्ट करते हैं तो इनमें आपकी अर्निंग नहीं होगी। अगर आप एलिजिबल वीडियो डालते हैं तो समझिए कि आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ने वाली है। और फेसबुक की तरफ से ये बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि 5 जनवरी से लागू होने वाला है। तो देखिए फेसबुक पर अच्छे तरीके से काम कीजिए और पैसे कमाइए। फेसबुक अपडेट पर अपडेट कर रहा है, पहले आरपीएम था, फिर फेसबुक ने परफॉर्मेंस बेस किया, अब फेसबुक ने यहां पर व्यूज के हिसाब से किया, तो काफी कुछ अपडेट कर रहा है फेसबुक। अब हो सकता है कि इसका क्राइटेरिया है वो धीरे धीरे
कम हो जाए। वैसे भी अभी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन 5000 फॉलोवर काफी ज्यादा लगते हैं लोगों को, तो शायद ये भी कम किया जाएगा, यानी कि 1000 के आसपास ही शायद ये हो जाएगा। जैसे कि आपने स्टार में देखा, पहले उसका 1000 था, उसको भी कम करके 500 पर कर दिया है, तो इसका भी कम से कम 1000 या 2000 की समथिंग यहाँ पर भी ये कम करेगा फेसबुक। अभी के टाइम पर यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ अर्निंग रिलेटेड वीडियो अपडेट किया है फेसबुक ने कि इसकी जो अर्निंग है हम व्यूज के हिसाब से अब देने वाले हैं एलिजिबल वीडियो पर। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा, और 5 जनवरी से सभी के पेज पर लागू हो जाएगा। अगर आपके में इंस्टीमेड में नहीं दिख रहा है तो आप अपडेट वगैरह कर लेना, आपके में भी ये दिखने लग गया, क्योंकि ये सबके में अभी नहीं शो कर रहा है, धीरे धीरे में सबके में शो करने लगेगा। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय, जय हिंद।